नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि के सितंबर माह के राशिफल के बारे में, यानी मासिक राशिफल के बारे में। संपूर्ण माह सितंबर में कर्क राशि के जातकों के लिए कहाँ पर सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत राशिफल के माध्यम से मिलने वाले हैं, इस बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कह दूं कि राशिफल सामान्य स्तर पर होते हैं क्योंकि ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद की सटीक कोई जानकारी चाहिए तो कई चीज़ों का एक साथ अध्ययन करना पड़ता है, जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपके सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, कुंडली के अच्छे बुरे योग और भी कई चीज़ों का गोचर। गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका यहाँ पर इन राशिफल के माध्यम से एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इसके आधार पर आपको ये बताया जाता है कि सटीक तौर पर ये आपके साथ ये चीज़ घटने वाली। लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको आसानी से अपने ग्रहों के गोचरों के बारे में पता चल जाता है, ग्रहों के गोचर कैसे होने वाले हैं, कहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कहाँ पर खुशखबरी है। तो राशिफल जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे शनि साढ़ेसाती, अब शनि साढ़ेसाती जो है ये दशाओं के माध्यम से थोड़े ना देखा जाता है, ये ग्रह के गोचर के माध्यम से देखा जाता है। शनि साढ़ेसाती कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस तरह से और भी गोचर होते हैं जिन्हें देखना ज़रूरी होता है और यहाँ पर इन राशिफल के माध्यम से आपको गोचरों के आधार पर गणना दी जाती है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह सितंबर माह, संपूर्ण सितंबर माह कैसे जाने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यदि आपसे कहूँ, बहुत खुशखबरी की बात कहूँ कि लंबे समय से कोई काम रुका हुआ था, किसी भी तरह की कोई योजना बना करके आप रखे हुए थे, काम लटका हुआ था, अटका हुआ था, रुका हुआ था, लंबित कोई भी कार्य था, तो वो यहाँ पर कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक एक करके चर्चा करते हैं। नौकरी में लंबे समय से आप यदि प्रमोशन चाह रहे थे, इंक्रीमेंट चाह रहे थे, वो लंबित था, रुका हुआ था, तो भाई आपको मिल सकता है। किसी एक कोई प्रोजेक्ट आप चाह रहे हो या फिर यदि हम बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस में कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, किसी और कंपनी को अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, किसी और कंपनी का स्टॉकिस बनना चाहते थे, किसी और कंपनी का कोई नया ऑर्डर लेना चाहते थे, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई लंबी प्लानिंग आप करके चल रहे थे अपने व्यवसाय में भी, इवन नौकरी में भी, तो आपको यहाँ पर सफलता जरूर से मिलती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति की भी सेम वही बात है। यदि आपने कहीं प्लानिंग करके रखी थी, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखा था, शेयर मार्केट, भूमि में कहीं इन्वेस्ट करके रखा था, आप लंबे समय से सोच रहे थे यार ये वक्त है जब वो बढ़ेगा, तो जरूर से यही वक्त है जब आपको यहाँ पर सफलता देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो भाई आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत फायदेमंद समय है, बहुत शानदार समय है। आपको यहाँ पर उपलब्धि मुझे मिलती हुई नजर आती है और जो भी योजना आपने बना करके रखी थी या जो भी आपने मेहनत की थी अपनी सफलता के लिए, वो मेहनत जरूर से यहाँ पर रंग लेकर के आएगी। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार में कहीं ना कहीं चिंता तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है, पारिवारिक मतभेद मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो इस दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे अच्छा नहीं नजर आता। लेकिन यदि स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य सामान्य है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। लंबे समय से किसी बीमारी से आप संघर्ष कर रहे थे या बीमारी का इलाज लंबे वक्त से आप करवा रहे थे, तो यहाँ पर वो बीमारी जो है वो या तो खत्म होगी या कम होगी या आपको परेशान कम करेगी। और फाइनली यदि चर्चा करें प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से भी कोई खास समय नहीं दिखता। परिवार का साथ, परिवार का सहयोग आपको यहाँ पर न मिले और प्रेम प्रसंग में भी पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, तो ऐसे योग जरूर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण और प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से कोई खास समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है, बाकी ओवरऑल आपके लिए समय जो है वो अच्छा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा की कर्क राशि के जातकों के लिए माह सितंबर कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।